सन 1948 में 5 आने का आइसक्रीम था, अभी 150 रुपए के। सामने बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग था, उसके नीचे दरख्त का एक यासीन नाम था, वो हाथ से आइसक्रीम बनाता था। तो हमारा बड़ा भाई बादशाह गोल उनके पास जाके आइसक्रीम खाता था, तो उसने बोला, उसने इस फार्मूला इसको बताया, किसी फार्मूले से इसको चलाओ चलने का। उसके बाद हमने छोटी दुकान में एक कारोबार शुरू करके आइसक्रीम अभी तक जो चल रहे हैं वही फार्मूले चल रहे हैं, वही चीज़ चल रहे। वो दिल्ली से आया था, इंडिया से, पार्टीशन के बाद। हमारा कारोबार था शरबत का, उसका नाम था पिशावरी शरबत फरोश। उसके बाद सेवन अप नया कोका कोला, पाकोला सेवन अप वगैरह निकल आया, जो हमारा शरबत डाउन हो गया और हमने पिशावरी आइसक्रीम शुरू कर दिया। तो पिशावरी आइसक्रीम के नाम से लोगों ने इसको मशहूर कर दिया। 1948 में ये केबिन था, केबिन होने के बाद फिर हमने पकड़, उसके बाद हमने आइसक्रीम का कारोबार चालू कर दिया, इसमें कारी चाली, फिर दुकान बन गई। यही बताया था ना, क्रीम और फ्रेश दूध से आइसक्रीम बनाना, यही फार्मूला था। इसमें फ्रेश क्रीम डालते हैं, जो दूध से निकल के वो हम इस ताज़ा दूध में इसको इस्तेमाल करके बनाते हैं। एक ही डेयरी से सन 1948 से एक ही डेयरी से दूध ले रहे हैं, वो है उधर ये मेमन मस्जिद के नाचे मदीना गोरी मिल्क शॉप से हमारा सिर्फ दूध आता है। इतने बरस से सारा दूध हमारा उधर से आता है, और क्रीम हमारा जो आता है वो बंस रोड से गफूर डेयरी फार्म से हमारा क्रीम आता है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जबरदस्त फ्लेवर चल रहे, हमारा पिशावरी सादा आइसक्रीम जो है ये चल रहे सबसे ज़्यादा चलने वाले, और लोग इसको पसंद भी करते हैं, और लोग इसके अल्लाह का शुक्र है इसकी तारीफ भी करते हैं। सफ़ेद आइसक्रीम पिशावरी सिर्फ एक ही था, एक आइसक्रीम पिशावरी आइसक्रीम सफ़ेद, और कोई ये तो बाद में हमने हमारे बेटे मोहम्मद जुबैर ने सारा निकाल दिया। शरीफ का मौसम है तो शरीफ आते हैं, इंजीर का मौसम है सर्दी तो इंजीर का बनाते हैं, उसके बाद जो सर्दी का मौसम है किन्नू आ जाता है तो हम किन्नू का ऑरेंज आइसक्रीम बनाए। इसके मुताबिक हर सीज़न के मुताबिक हम आइसक्रीम बनाते हैं, इसका कोई पता नहीं पड़ता है। हवाई रोज़ या कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाते हैं। हमारा आइसक्रीम बाद अवकात इस्लामाबाद लोग ले जाता है, उसके बाद ये आइसक्रीम जो है ना पैकेट में करके दुबई ले जाता है, यानी मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है। ये बिलावल हाउस को ये आइसक्रीम हमारा पसंद है, बिलावल हाउस के पास जाते हैं उसके आदमी आके ले जाते हैं, और उसको ज़्यादा पसंद है बिलावल को, ये उधर जाता है बिलावल हाउस जाता है। जितने कराची में पिशावरी आइसक्रीम लोगों ने लगाया इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारा कोई ब्रांच है कराची के अंदर। हमारा सिर्फ एक ही प्रेडी स्ट्रीट के ऊपर जो है ये एक ही ब्रांच है, और कोई दुकान नहीं है हमारा।